दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश मेरठ जिले से रहने वाली हूँ। मेरा नाम ज्योति त्यागी है और मैं पहले तो संजीव सर को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि आपने वाकई आज मैं आपकी वजह से और आयुर्वेदा की वजह से जिंदा खड़ी हूँ और मेरे तीनों बच्चों के लिए मैं जिंदा हूँ। थैंक यू। दोस्तों मैं 1 साल 2 साल की बीमार नहीं, मैं 10 सालों से बीमार थी। 10 सालों से मेरे हर हफ्ते मेडिकल में 75 साल की लेडी है डॉक्टर गायनिक की, हर 7वें दिन उनके पास रहती थी, हर 7वें दिन उनके पास जाती थी। इन्फेक्शन सूजन यूट्रस में बना रहता था, गांठें छोटी छोटी थी, डॉक्टर ने भी कह दिया कि कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल मेरा बेटा पैदाइशी मेरा हार्ट पेशेंट है, उसका पूरा दिल बढ़ा हुआ है, दिल के नीचे फेफड़ा बिचका हुआ है। बच्चों के चक्कर में अपना कभी इलाज नहीं किया और वो मेरा यूट्रस की गांठें बढ़ती चली गई। 26 27 28 29 mm की 6 गांठें मेरे पेट में थी, 5 गांठें यूट्रस में और 1 29 mm की राइट राइट ओवरी में गांठ थी। अगर मैं ये दवाई ना खा रही होती तो वो 29 mm की गांठ मेरी फटी, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा खड़ी हूं। मेरा ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने। 10 सालों में इलाज कराते कराते भी डॉक्टर अगर ये कह रही है कि यूट्रस निकालना पड़ेगा, मात्र 33 साल की एज है मेरी इस टाइम, बच्चा हार्ट पेशेंट है, आप बताओ कोई माँ बेड रेस्ट कर सकती है 6 महीने का? मुझे अपना बच्चा दिल्ली एम्स के लिए लेके भागना पड़ता है, कर सकती है कोई माँ बेड रेस्ट? एलोपैथिक डॉक्टर हमेशा धोखे में रखते हैं, धोखे में। अभी ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। मैंने मात्र 38 दिन दवाइयां खाई हैं, मात्र 38 दिन मेरी सीमा दे दी। अगर ये नहीं होती, मैं इनसे अचानक मिलने गई थी, ये मेरे ही गांव की बेटी है, त्यागी है, मेरे ही गांव की बेटी है। मैं ऐसी इनसे मिलने पहुंच गई थी, दीदी ने बोला, मैंने इनको ऐसी अपनी परेशानी बता अभी दी। ठीक हो आप? टाइम कम है मैडम, ठीक हो? चलो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जोरदार तालियां मैडम के लिए, इनके लिए कि जीवन में कभी ये बीमार ना हो। थैंक यू, दुआ थैंक यू करें सो जोरदार मच। तालियों के साथ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ माँ जी, आप भी कुछ बताओगी? बता दो माँ जी। मैं रोहतक जिले से गांव भोर से रहने वाली हूँ। ये सुमन मैडम है, उनकी मम्मी हूँ मैं, देसवाल की। अच्छा। तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, मैं 5 मिनट भी नहीं मोड़ कर बैठ सकती थी। जी। अब 10 मिनट खड़ी नहीं हो सकती थी। अब पहले जब दर्द था, फिर ये कुलदीप मुदगिल और राजवीर गए हमारे घर पर, इन्होंने बताया, इन्होंने मेरे को ये दवाइयाँ दी गोली इसकी घुटनों की, तो मैंने 5 7 दिन नहीं ली थी, 5 7 दिन में हफ्ते में मेरा रिजल्ट आ गया था। अब ठीक हो अम्मा? आप बिल्कुल ठीक हो अम्मा? जियो 100 साल। 5 मिनट दो दुबा बजाओ ताली अम्मा के लिए। 5 5 मंजिल पर चढ़ जाती हूँ मैं, 3 3 मंजिल पर चढ़ती उतरती हूँ। अम्मा कह रही है मैं चल नहीं सकती थी, अभी 5 मंजिल चढ़ जाती हूँ। चिंता मत कर अम्मा, थंडर ब्लास्ट और ले, 10 मंजिल चढ़ जाएगी। थैंक यू अम्मा। हाँ जी आप बताओ, शॉर्टकट में बताना थोड़ा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं असल प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था का आयुर्वेदिक रस, जिसका नाम है थंडरबास और की डॉग, वो मेरे गुजरात में कुणाल जाधव साहब के जरिए से हमारे डिस्ट्रिक्ट में महेश साहब और हमारे मेरी तहसील में अरविंद सोलंकी, ऐसे मेरे घर में पहुंची है। जो 13 साल से मेरी बच्ची सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। मतलब आपकी बेटी जब से पैदा हुई है? हाँ जी सर।
जब से पैदा हुई है सर, यस सर, तब से आपकी बेटी ना बोल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी सर। सच कह रहे हो? यस सर, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। सच बता रहा हूँ, इसका 100% सर्टी दिखाया था साहब मैंने आपको गुजरात में। सर्टिफिकेट है? यस सर। मतलब आपकी बेटी पैदा ही गूंगी हुई है? बिल्कुल पैदा से है, पैरी हुई है। फिर क्या हुआ आगे प्रोडक्ट लेने के बाद? प्रोडक्ट लेने के बाद सर मैं 1-2 महीना मैंने को ऐसे इसकी हरकत शुरू कर दिया। जब हरकत शुरू किया मेरी फैमिली ने बोला बच्चे को कुछ फर्क रहा है। मैंने आशा छोड़ दिया था सर कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन ये असली प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था ने, आयुर्वेदिक रस ने आज मेरी बच्ची, मेरे को इतना विश्वास दिलाया है, कि अभी ये बोलेगी भी और सुनेगी भी और आप सुनोगी भी। और सर जो मेरा टेंशन था, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ साहब, लेकिन मेरा जितना टेंशन था वो टेंशन असली प्लेस वेलनेस कंपनी ने हटा दिया साहब। मैं 1000 बार सलाम करता हूँ संजीव साहब को और अपनी प्रोडक्ट को भी 1000 बार सलाम करता हूँ। धन्य हो साहब। बेटा बोल के दिखाओ, बेटा बोल सकती हो तो 7 बार तो नाम बोलो। सोमवार मंगलवार बोलो, सोमवार मंगलवार बोल, बुधवार हेलो सर, ये असली प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था का आयुर्वेदिक रस है। मैं साहब के लिए, असली प्लेस वेलनेस साहब के लिए, फौजी के नाते मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ साहब। सलाम देता हूँ, 1000 बार सलाम देता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और क्या करोगे? और क्या करोगे? अब मालूम है क्या बच गया? कि बस कमर में जो चले गए उन्हें भी निकाल के ले आओ, उन्हें भी ठीक कर दो। दोस्तों ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये आपकी नेक नियत, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी मोहब्बत, आपका एक हिंदुस्तानी होने का एक गर्व, एक अपने आयुर्वेद पे विश्वास, आपकी यकीन के कारण हो रहा है। और ये ऐसे ही होता रहेगा और हम पूरे जीवन ऐसे ही करता रहेंगे। इस मंच के माध्यम से एक ऐलान और करता हूं। अभी लोग कहते हैं सर गरीबों को प्रोडक्ट नहीं दे सकते, गरीबों के पास पैसा नहीं होता। अगली साल से 2020 से पूरे साल में हिंदुस्तान के 1109 गांव में ये संजीव कुमार, ये एसलीपीएस वेलनेस, डायबिटिक और ऑर्थोडॉक और जॉइंट क्यूरेटर ऑयल हिंदुस्तान के 109 गांव में अगली साल हर गरीब को फ्री में देगी। और वो गांव में मैं नहीं जाऊंगा, वो सारे गांव में आप लोग जाओगे, आप लोग देके आओगे। अरे यार मेरे भाई, मेरे फाइटर, मेरे प्यारे फाइटर, अरे तुमने इतनी मोहब्बत दी है कि अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे नीचे 2 ID लगा के तुम्हें करोड़पति बना दूं। दोस्तों फिर एक और खुशखबरी आपके लिए है। अरे एक बात बताओ, ये बताने की तो जरूरत नहीं, अब काम क्यों करना है? बताने की जरूरत है क्या? काम एक लाइन में बताता हूं, इसलिए करना है। जैसे मोदी जी कहते हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो हम कहते हैं एसलीपीएस वाले, मैं देश को बीमार नहीं रहने दूंगा, मैं देश को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। और ये हम सब मिलकर एक दिन करके रहेंगे। तो दोस्तों जब ये हम काम करते हैं, इस काम को करके
ये जितने भी लोग यहाँ करोड़पति बने मेरे भाई, कोई बैंक लूट के नहीं बने, किसी का दिल तोड़ के नहीं बने, लोगों की जिंदगियां बचा के बने हैं। और ये जो करोड़पति यहाँ बना है वो टाटा का नहीं, अंबानी का बेटा नहीं, किसी मित्तल का बेटा नहीं, एक गरीब किसान का बेटा बनता है, गरीब किसान। सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम मुझे मेहनत दो, नेक नीयत दो, ईमानदारी दो, मैं तुम्हें कामयाबी दिलाऊंगा। दोस्तों तैयार हो? अरे फट्टे चकने के लिए बाजार में तैयार हो? ना रुकना है ना थकना है, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। एसली पीएस कंपनी को आने वाले समय में लोग आयुर्वेद के साथ साथ लग्जरी कार कंपनी के नाम से भी जानने लगेंगे। चिंता ना करो, चिंता ना करो, हालत खराब है बाजार की तुम्हारे नाम से। और आज देख के तो हो सकता है रात को बेहोशी हो जाए। दोस्तों मैं सिर्फ एक आपसे दरख्वास्त करता हूं, अरे तुम हिम्मती हो, तुम मेहनती हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, कर्मठ हो, अरे पढ़े लिखे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उम्र है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या जात है, क्या पात है, क्या धर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता। एसलीपीएस परिवार का एक ही धर्म है, इंसानियत का धर्म, इंसानियत का धर्म, मोहब्बत का धर्म। आप हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, हमारे साथ चलो, इस देश के लिए चलो, आप हमारे लोगों के साथ चलो। मैं सच बोल रहा हूं सर, आपकी जिंदगी छोड़ो, आपकी सात पुश्तों की जिंदगी बदल जाएगी।